नमस्कार, मैं डेसी शिव आसन का कोऑर्डिनेटर आप सबों से नम्र निवेदन है कि ऐसे समय में जब कोरोना का प्रकोप सारा देश में, सारे विश्व में, सारे भारत में जब फैला हुआ है, हमारे जवान जूतों से ऐसा नम्र निवेदन है, विनती है कि आप कृपया करके आप इसके समाधान के लिए आप खड़े हो जाएं। और मेरा आप लोग से ऐसा विश्वास है, ऐसा हम आशा करते हैं कि आप निश्चय इस काम में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं कि 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक चैन प्रार्थना का आयोजन डेसी शिव आसन की ओर से किया गया था। और ऐसे समय में हम समूह में नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे समय में भी हमारे लिए ऐसा मौका है कि हम डेसी शिव आसन की ओर से हम जवान जूतियां हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर दो जन किसी एक बात के लिए परमेश्वर से मांगे तो स्वर्ग में से होकर वो आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो ऐसे समय में हम जवान लोग हम सामने आए और उस दिन जो 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जो चैन प्रार्थना का आयोजन किया गया था, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने घरों में आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, आप पारिवारिक प्रार्थना करें मेरे दोस्तों। और सचमुच में जब हम ऐसा करते हैं, हम विश्वास जाने कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा और हमारे ये प्रार्थना करना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यशायाह 59 उसका 1 पर कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि हमारा उद्धार ना कर सके, परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया है कि वो आपका प्रार्थना को उत्तर ना दे सके। लेकिन आज हो सकता है कि हम जवानों को अपने पापों से हम पछताप करें, अपने गुनाहों को मान लें। दूसरे इतिहास 7:14 पर वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दिन होकर परमेश्वर की ओर फिरे, अपने पापों से पछताप करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर उसके निकट आए, तो मैं स्वर्ग में होकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज वह फिर से परमेश्वर हमारे पूरे देश को, हमारे विश्व को आज अपने शांति से भरना चाहते हैं, आज छुटकारा देना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज अपने परिवारों में आज व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, पारिवारिक प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, ताकि सचमुच में आज हमारे कलीसिया भी इस समस्या से लड़ने के लिए आज एक मन एक चित होकर आज वे खड़े होने पाए। और उनके खड़े होने से नीचे आज हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको हमको छुटकारा देगा। तो बात फिक्र कर, मैं डेसी शिव आसन के कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप लोगों से, हमारे जवान मित्रों से, हमारे पेरिशों के युवा संघ के अधिकारियों से नम्र विनती करता हूं कि कृपया करके आप उस दिन आप जरूर से जरूर आप व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना करें। निश्चय जब ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम अपने कलीसिया में, देश में, समाज में अधिकारी से दिखने पाएंगे। तो फिर कर आप सबको मैं ऐसा सूचना देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप उस दिन में, आप इस दिन के गंभीरता को लेते हुए आप प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करें। अब मेरा विश्वास है कि आप उस दिन आप जरूर से जरूर प्रार्थना करेंगे। यहीं तक मैं बोलकर अपना संदेश को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बच्ची नमस्कार।